तो हे गाइस, जैसे हमें लगा था कि इवेंट रिपीट होगा तो फिर से रिपीट हो गया, और इस बार भी ट्रेजर डिटेक्टर ही है। तो यहाँ पर इवेंट में ग्लिच है, मैं आपको दिखा देता हूँ और आपको उसमें फंसना नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूँ गाइस, मेरे जो पहले स्नोलेक्स था नॉर्मल वाला, मैंने उसे ग्रास टाइप में कन्वर्ट कर दिया है, और अब बस मुझे सिर्फ इवोल्यूशन स्टोन्स की देरी है और कुछ जो वर्ल्ड में बचे हैं उनको पकड़ने की देरी है। उसके बाद तो यार्ड टू हो ही जाएगा, और मैं भी टास्क कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि मुझे जो कुछ है एनकाउंटर वाउचर वगैरह मिल जाए। तो इस बार जो इवेंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार जो इवेंट में एक जो मेगा जो विजडम वाला माइलोटिक है वो दो जगह पर है, ठीक है। 60 इवेंट आइटम के साथ भी एक्सचेंज हो रहा है, ऊपर से 100 इवेंट आइटम के साथ भी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर फंसना नहीं है, आपको अगर लेना है तो विजडम वाला तो सिर्फ 60 वाले से लेना, 100 वाले से मत लेना, ध्यान से बोल रहा हूँ फिर से, 100 वाले पर ट्राई मत करना। और इस बार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इस बार अब भी जब भी आजकल इवेंट पे पोकेमोन्स आ रहे हैं तो जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वही सब मिल रहे, ठीक है। तो इस बार टायरेंटॉर है तो मैं वो ले लूँगा टायरेंटॉर को, और मेरा जो है वेकिन 5 हो जाएगा, और 6 तो मैं कैसे भी आराम से कर लूँगा, वाइल्ड से पकड़ के भी कर लूँगा। तो अगर देखा जाए तो मेरा अभी टायरेंटॉर को भी मैं वेकिन 1 कर सकता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ अभी एक्स को जो वाई है मेरा उसको रीसेट करें, एक्स करूँ या फिर घोस्ट वाले रखूँ या फिर टोटल टीम से ही निकाल के रखूँ, उसको अलग रखूँ, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं, पर वो सब बाद में देखें। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कौन से पोकेमोन लेने हैं, अगर आपको आपको ये चाहिए तो आप ले लेना, नहीं तो अगर आपको जागियार्ड चाहिए तो वो भी ले लेना, या फिर अगर आपको चाहिए ये वाला फिटर्स के लिए, जो फिटर्स के लिए है तो वो भी ले लेना। अगर ये सब है तो कुछ मत लो, फिर से सेव कर लो, क्योंकि अगर आप पालकिया लेना चाहते हो या फिर आप लेना चाहते हो सल्गैली हो या फिर कोई और पल और जो दूसरा कोई पोकेमोन लेना चाहते हो तो वो इवेंट में आते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो आपको रिपीट करते हैं, ये रिपीट होता है तो आपको भी सेव करते रहना चाहिए ताकि आगे चल के आपको बहुत सारे जो है अच्छे पोकेमोन्स मिल जाए। तो अगर आपको नहीं पता कि कौन से कार्ड रेड करने हैं तो मैंने इस पर पहले से बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, दो बना दिए आज तक, तो उन सारे कार्ड्स को अगर आप रेड करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो एक मैं बता देता हूँ, हॉर्नडूम का कार्ड भी आप रेड कर सकते हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो मैंने आपको कार्ड बता दिया, पोकेमोन बता दिया कि आपको कौन से रेड करने हैं कौन से नहीं करने। तो गाइस मैं बता दूं, अगर मेरे को ये घोस्ट वाला टायरेंटॉर मिल जाता है तो मेरा जो है टोटल एवेकन 5 हो जाएगा, और मैं एवेकन 6 करने के बाद अपने जो आरटीयू को एवेकन 1 कर दूंगा, फिर मैं थोड़ी सी मेहनत करके एवेकन 2 करके डबल जी मूव दे दूंगा अपने जो मेगा टायरेंटॉर वाई है उसको, सोच रहा हूँ उसको मैं एक्स में कन्वर्ट कर दूँ, फिर सोच रहा हूँ टीम से भी रिमूव कर दूँ, तो देखा जाएगा बाद में क्या होता है। तो हो भाई, आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।